राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जज पीयूष कमल दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एक्ट सहित विभिन्न केसों की सुनवाई के लिए कई पीठ का गठन किया गया है। वहीं उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा, लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को परस्पर समझौतों के आधार पर त्वरित न्याय मिलता है, लंबित मुकदमों में कमी भी आती है। जिला जज ने कहा कि इससे आपसी सद्भाव कायम रहता है। लोक अदालत में निष्पादित मुकदमों की अपील नहीं होती है। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता विनोद कुमार ने किया। के तहत लोक अदालत का गठन किया जाता है। उस लोक अदालत के माध्यम से सुलह न्याय प्रकृति के आपराधिक मामले, इसके अलावा उस प्रकार के तमाम केस जिसमें दोनों पक्ष की सुलह समझौता से वाद का निष्पादन हो, सभी ऐसे वादों को लाया जाता है। बैंकिंग, बैंक ऋण से जुड़े हुए मामले जैसे होते हैं, सर्टिफिकेट केस होते हैं, फॉरेस्ट एक्ट के केसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के केस होते हैं, इन सभी केसेस में आपका क्षतिपूर्ति दावा वाला केस होता है मोटर एक्सीडेंट का, जिसमें कि पक्ष पीड़ित पक्षकार को मुआवजा दिलाया जाता है। ये सभी केसेस सुलहनीय प्रकृति के होते हैं और दोनों पक्षकारों के माध्यम से दोनों पक्षकारों को बैठा करके और उनके बीच में एक तरह से सुलहनीय बिंदु पर लाकर वाद का निष्पादन किया जाता है। इससे ये है कि वादकारियों को किसी प्रकार के खर्चे की या फीस वगैरह का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसमें कम समय में सुलभ न्याय प्राप्त होता है और पक्षकारों के बीच में वैमनस्यता भी खत्म होती है। जैसे कि बहुत से केसेस होते हैं जिसमें आपस में छोटे छोटे कारण के लिए मारपीट हो जाती है और उसमें बहुत समय तक जो है उनके बीच में दुश्मनी बनी रहती है, लेकिन सुलह समझौता के माध्यम से जो हम लोग निष्पादन करते हैं तो दोनों पक्षकार खुशी खुशी जो है, क्योंकि उन्हीं का फैसला होता है, उन्होंने तय किया हुआ फैसला होता है, जिससे कि उनका वाद ही निपटारा नहीं होता बल्कि उनके आने वाली जो है पीढ़ियाँ भी शांतिपूर्वक अपना विकास करती हैं, पैसा और समय का सही सदुपयोग कर पाते हैं वो लोग।